हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई नो हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए काफी लेट हो चुका है, बिकॉज मेरा ये नए साल में फर्स्ट वीडियो है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई नो मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना रही थी, आई वॉज स्टक विद माई फैमिली, किड्स एंड ऑल दैट, बट नाउ आई एम बैक विद माई वीडियोज। आज का वीडियो होने वाला है इस मेकअप लुक का ट्यूटोरियल। मैंने कुछ नए इनफैक्ट बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स यूज करके एक मेकअप वीडियो क्रिएट करूं। और ऑल्सो गाइज, मैं अपने नए कैमरा के साथ शूट कर रही हूं। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है नए साल पर नए नए प्रोडक्ट्स और नए कैमरा के साथ शूट करते हुए। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। और उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियोज को मिस नहीं कर पाए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने वाली हूँ, और मॉइस्चराइजर में यूज कर रही हूँ फेस शॉप का चिया सीड लोशन। ये मुझे डिस्कवरी किट में मिला था, क्योंकि मैंने इसके फुल बॉटल भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है, तो मेरे पास ये ट्रायल साइज में भी यू कैन सी कि बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी बची है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये फेस में एकदम इंस्टेंट हाइड्रेशन ले आता है और काफ़ी अच्छे से मेकअप भी इसके ऊपर स्टे करता है। और अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं नायका का लिप बाम यूज कर रही हूँ। क्योंकि विंटर्स हैं और मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है, इसलिए मैं अपने फेस को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देने के लिए मैं यूज़ करूँगी पैक का ऑयल प्राइमर। विंटर्स में ये मेरा बिल्कुल गो टू प्राइमर है और मैं इसे जेनरसली यूज़ करूँगी। मैं 2 मिनट तक इस प्राइमर को सेट होने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। मुझे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस पोर्शन को स्मूद आउट करने के लिए स्मैश बॉक्स का प्राइमर यूज़ करूंगी। ये है फोटो फिनिश स्मूद एंड ब्लर प्राइमर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम पेज से परचेज किए हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगेन मैं 2 मिनट्स का वेट करूंगी। इन प्राइमर्स को जब हम 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो काफी अच्छे से हमारे स्किन पर सेट हो जाते हैं, और उसके बाद फाउंडेशन भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। वीडियो के इंट्रो में मैंने बोला था कि मैंने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, लेकिन मैंने कोई फाउंडेशन परचेज नहीं किया है, इसलिए मैं अपना पुराना फाउंडेशन ही यूज करने वाली हूँ। मेरा ओल्ड फेवरेट कॉम्बिनेशन वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन और पैक HD फाउंडेशन, इन दोनों को मिक्स करके मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। और मैं इसे थोड़ा सा अपने हाथ पर वार्म कर लूंगी। इसे मैं ब्लेंड करूंगी ब्लू हेवन के ब्यूटी स्पॉन्ज से। काफी अच्छा स्पॉन्ज है ये, अगर आप अफोर्डेबल स्पॉन्ज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। और ब्लेंड 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 फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करें, जब तक कि हाथ नहीं रुक जाए तब तक अच्छे से ब्लेंड करें। कंसीलर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड आई थिंक लाइट।
मैं इससे अपने आईलिड्स को भी प्राइम करूंगी अपने आई शेडोज के लिए। और इससे पहले कि ये कंसीलर क्रीज हो जाए, मैं इसे सेट करूंगी बेका हाइड्रा मिस्ट सेट एंड रिफ्रेशिंग पाउडर से। इसे भी मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से ही परचेज किया है। मिनी प्रोडक्ट्स को परचेज करने का ये फायदा है कि आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी स्किन को ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे बड़ी पैकेजिंग में परचेज कर सकते हैं। काफी अच्छा पाउडर है, बहुत ही लाइट वेट है और ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसे मैं अपने ब्यूटी स्पॉन्ज से ही अप्लाई करूंगी। इसे बस मैं सेट करूंगी अपने अंडर आई एरिया को। बेकिंग मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो बहुत ज्यादा देर तक अगर मैं अपने फेस पर पाउडर रखती हूँ तो वो काफी ड्राई हो जाती है स्किन। मुझे लाफ लाइंस बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए मैं वहां भी अच्छे से सेट कर रही हूं। फेस को कंटूर करने के लिए मैं यूज कर रही हूं हूला ब्रॉन्जर। अब मैं करने वाली हूँ मेकअप का मेरा फेवरेट पार्ट, आई मेकअप। आई मेकअप करना मुझे बहुत ही पसंद है, हर बार डिफरेंट आई लुक्स बनाना और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को ट्राई करना। सो आई शेडो पैलेट जो मैंने परचेज किया है वो है फोकालियोर का सनराइज पैलेट। बहुत ही अच्छा पैलेट है और काफी अफोर्डेबल भी है। अगर आपको हुडा ब्यूटी के न्यूड्स पैलेट पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये पैलेट अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छी कलर स्कीम है और इसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है। मैंने इसे एक दो बार ट्राई किया है, सो मैं आज इसे ही यूज़ करके एक सिंपल सा आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ये लाइट प्लम शेड यूज़ करने वाली हूँ। आई थिंक मुझे आपको थोड़ा सा जूम इन करना चाहिए ताकि आपको आई शेडोज लगाने की टेक्निक और अच्छे से क्लियर हो सके। हाँ, दैट्स बेटर। अब मैं इस कलर को अपने क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर ब्लेंड करूंगी। दीज कलर्स आर सो पिगमेंटेड गाइस, यू कैन सी कि मैंने सिर्फ एक ही बार अपने ब्रश को पैन में डिप किया है और काफी अच्छा पिगमेंटेशन है। सेम कलर को मैं थोड़ा सा नीचे लोअर लैश लाइन में भी ब्लेंड करूंगी। थोड़ा सा मैं इसी कलर को, मैंने ब्रश पर कोई कलर नहीं लिया है, मैं अपने लिड्स पर भी लेकर आ रही हूँ सेम कलर। अब इस कलर के एजेस को ब्लेंड करने के लिए मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश का यूज करूंगी। यू कैन सी कि इसी स्टेप से काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है।
नेक्स्ट मैं पैलेट में से ये वार्म टोन का ऑरेंजिश रस्टी कलर यूज कर रही हूँ। इस कलर को मैं अपनी क्रीज में ब्लेंड करूंगी। सेम कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी कर रही हूँ ब्लेंड। थोड़ा सा मैं इसी कलर को अपने आउटर कॉर्नर्स पर भी लगा रही हूँ और ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं पैलेट में से ये शिमरी कलर ले रही हूँ। बहुत ही गॉर्जियस कलर है, बिल्कुल रोज गोल्ड, और इसमें थोड़े से शिमर पार्टिकल्स भी हैं। इसे मैं अपने फिंगर से ही अप्लाई करूंगी। इट्स लाइक पिंक ग्लिटरी शेड। आउटर कॉर्नर्स को इंटेंसिफाई करने के लिए मैं ये डार्क प्लम कलर यूज कर रही हूँ और इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर्स में पैक करूंगी। बहुत ही थोड़ा सा मैं इस आई शेडो को लगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं चाहिए, एकदम सॉफ्ट आई लुक चाहिए। मैं इस कलर के कॉर्नर्स को भी ब्लेंड कर लूंगी। सेम कलर को मैं इस तरह के डिफाइनर ब्रश पर लूंगी और अपने लोअर लैश लाइन पर पैक करूंगी। अब एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश पर मैं दोनों ट्रांजिशन कलर्स को लूंगी और इस डार्क कलर को भी ब्लेंड कर दूंगी। अपनी लोअर लैश लाइन पर मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। अपर वाटर लाइन पर भी मैं काजल अप्लाई करूंगी। सो गाइस, मैं क्विकली अब अपने अदर आई भी कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अपने आईज को देख के मुझे कुछ अधूरा लग रहा है, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने आईब्रोज नहीं किए हैं। अपने आईब्रोज करने के लिए मैं यूज करूंगी ये बेनिफिट का कार्ब्राउ। इसे मैंने रिसेंटली ही परचेज किया है और इसका शेड है नंबर 6। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, आप वन टाइम इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन काफ़ी अच्छा है। आपको बस एक ही बार इसे ब्रश को डिप करने की ज़रूरत है और यू आर गुड टू गो। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी पिगमेंटेड है और स्टे भी करता है। यू कैन सी कि मैंने बस इसे एक ही बार डिप किया है और आई एम डन गाइज। आप चाहें तो इस लुक के साथ स्मश लाइनर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं इस लुक को थोड़ा सा सॉफ्ट रख रही हूँ इसलिए मैं इसे एज इट इज छोड़ रही हूँ। और अब मैं अपने लैशेस को कर्ल करूंगी और इस पर मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा के लिए मैं यूज करूंगी मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। इफ यू वॉन्ट आप इस लुक को डबल मस्कारा के साथ भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट मुझे फॉल्सेस पसंद है इसलिए मैं इस लुक के साथ फॉल्सेस भी कैरी करूंगी। सो गाइज, लैशेज आर ऑन और अपने लैश बैंड को हाइड करने के लिए मैंने थोड़ा थिन लाइनर अप्लाई किया है।
एंड दिस इज द फाइनल आई मेकअप. आई एम लविंग दिस आई मेकअप. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा सटल और गो टू आई मेकअप जो कि बहुत ही इजीली क्रिएट हो जाए और साथ ही साथ बहुत अच्छा भी दिखे. अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी सेम पैलेट में से ये शैम्पेन गोल्ड कलर. इसे मैं एक छोटे से टीनी माइनी ब्रश पर ले रही हूँ. अब मैं क्विकली अपना बेस मेकअप कंप्लीट करूंगी. ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लश इन द शेड फैंटास्टिक प्लास्टिक पिंक. थोड़ा सा इसे नोज पर इस तरीके से कनेक्ट भी कर दूंगी. और अब क्विकली अपने बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा करंट फेवरेट प्रोडक्ट जो कि मैंने सेम इंस्टाग्राम पेज से परचेज किया है. ये है स्मैशबॉक्स का प्राइमर वाटर सेटिंग स्प्रे. बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे है गाइस. इसने मेरी मेकअप गेम को टोटली चेंज कर दिया है. बिल्कुल ड्राई स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. इंस्टेंट एनर्जी देता है आपकी स्किन को. ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा पानी पी लिया है इतना ज़्यादा कि इतना अच्छा ये इफ़ेक्ट देता है. बहुत ही अच्छा है. जब से मैंने इसे परचेज किया है मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है. इसकी मिस्ट भी बहुत ही अच्छी है. मेरे फेस की पाउडरीनेस को ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है और बिल्कुल मेल्ट कर देता है मेकअप को और काफ़ी इंटैक्ट भी रखता है. आप इसे मेकअप से पहले भी प्राइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. हाइलाइटर आज मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा करंट फेवरेट हाइलाइटर बेका का शैम्पेन पॉप. बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है. बहुत हाइप्ड है और ट्रूली हाइप्ड है. मैंने अभी तक इस तरह का हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है. बिल्कुल ब्लाइंडिंग ग्लो देता है. इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है. एकदम शैम्पेन गोल्ड कलर है. यू कैन सी द इंटेंसिटी इन वन स्वाइप. लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ कलर पॉप की लिपस्टिक इन द शेड हैप्पी थॉट्स. इफ़ यू वॉन्ट आप इसे थोड़ा सा टोन डाउन भी कर सकते हैं. आई थिंक मैं इसे थोड़ा सा टोन डाउन करूंगी. वैसे तो ये आई लुक के साथ बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसे सॉफ्ट होना चाहिए. इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगी कलर पॉप का ही शेड. ये है लिक्विड लिपस्टिक. न्यूड पिंकिश शेड है. That's better. So, here completes my makeup, guys.